आपका गीता लेडीज टेलर में स्वागत है। जिन लोगों ने मुझे अभी तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब लाइक करना है। जिन लोगों ने पहले से मुझे सब्सक्राइब लाइक किया उनका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद दोस्तों। हाँ दोस्तों, होली आ रही है ना, तो होली तो आ ही गई है दोस्तों, आज ही होली है। तो आप जितने भी मेरे व्यूअर्स है उनको सबको दिल से हैप्पी होली, आप ऐसे खुश रहे बस। और आज हम बनाने जा रहे हैं बोट नेक ब्लाउज की कटिंग, वो भी प्रिंस कट में बताने जा रहे हैं दोस्तों। मुझे कमेंट आई थी कि मैम आप सब मुझे बताएं कि आप बोट नेक में प्रिंस कट बता दो मैडम, तो थोड़ा इजी मेथड में बता दो, दो तीन तो मैंने ऐसे बताए हुए हैं दोस्तों। तो चलो आप इसके कमेंट पूरी करें, जिसने मुझे कमेंट की थी कॉल की थी तो प्लीज़ वो मैम ने देख लेना है और सबने देखना है। तो हम लोग बोट नेक की कटिंग बताने वाले हैं, 36 साइज का है दोस्तों, ये थोड़ा अलग नाप है और इजी और बहुत आसान तरीका है। तो हमारी लेंथ है 14 है, तो हम 1 इंच बढ़ाएंगे, हम आधा इंच ज़्यादा से बढ़ाते हैं। क्या होते हैं नए लोग सीखते हैं तो उनको नहीं जमता है तो कम कपड़ा पड़ता है, तो यहाँ पे हमें 1 इंच बढ़ा देंगे इसीलिए, और यहाँ पे हमारा 2 इंच बढ़ेगा। तो यहाँ से पहले मैं यहाँ पे लाइन दे दूंगी दोस्तों, ये थोड़ा अलग तरीका है बोट नेक का, आप देख रहे हो। हमारा शोल्डर है 15 है दोस्तों, उसका मैंने आधा किया 7.5, 7.5 का शोल्डर ले लिया मैंने, परफेक्ट। आर्मोल मेरा है 6.5, आप इस तरीके से आप कटिंग करोगे दोस्तों बोट नेक की, तो आपको ब्लाउज बहुत परफेक्ट आएगा, बहुत अच्छी तरह से। मैं 100 में से 1% आपको गारंटी के साथ बताऊंगी, ये कटिंग से आप जाओगे तो आपको ब्लाउज आएगा, यानी अच्छी तरह से आएगा और फिटिंग भी अच्छी मिलेगी। और चेस हमारा है 36, तो हमने 4 में डिवाइड किया, 9 है, आधा इंच लूजिंग रखेंगे। आपको लूजिंग चाहिए तो रखना है, नहीं रखना है तो चलता है, पर हम लोग रखेंगे, सब ने रखना है, ये कंपल्सरी है, फिटिंग में हो जाता है। और चेस कमर हमारी 28 को हमने 4 में डिवाइड किया है, यानी 7 हुआ, 1 इंच मार्जिन टक्स पॉइंट के लिए 8, ये 1.5 इंच मार्जिन। तो पहले हमें इसे बॉक्स कर लेना है, पहले कभी भी आप कटिंग करते हो गए तो दोस्तों पहले बॉक्स तैयार करना है। बॉक्स करने से क्या होता है, हमें मालूम पड़ता है हम क्या हमारा सही हो रहा है इसी तरह से, ओके। और यहां से हमें 1/2 इंच अंदर जाना है खाली, 1/2 इंच, नहीं तो फिर यहाँ हमारा फुगा तैयार हो जाएगा, क्लीन नहीं बैठेगा इसी तरह से। आप देख रहे हो ये 1 इंच अंदर वाला और यहाँ पे 1.5 इंच बाहर वाला, तो हम यहाँ पे राउंड दे देंगे दोस्तों। इसी तरह से देख रहे हैं आप, ये हमारा बैक साइड का हो गया है, बैक साइड आगे। तो अभी यहाँ पर हमें पहले हमें इसे बॉक्स करके परफेक्ट कर लेना है दोस्तों। अभी तीरा हमारा होगा यहाँ पे 4.5 का, हम तीरा लेने वाले हैं, कितना 4.5, तो भी तो हमारा बोट नेक तैयार होगा, नहीं तो फिर बोट नेक तीरा नहीं होगा बराबर, छोटा तीरा लोगे तो अलग ही होगा, इसलिए हमें बड़ा वाला तीरा करना है। तो 4.5 हम लेंगे, नीचे हम उतरेंगे 3.5, पहले यहां भी हम लोग बॉक्स तैयार कर लेंगे आगे का गले का, इसे हमें समझ में आ जाता है, ओके। आप देख रहे हो पहले हम यहाँ पे गोलाई कर लेंगे, बोट नेक का शेप दे देंगे हम, ऐसा ही होता है ना बोट नेक, हल्का सा कर्व देख रहे हो आप। अभी यहां पर हमारा टक्स पॉइंट होगा, साढ़े 10, बीच का लाइन दे देंगे हम, इसी तरह से यहाँ पे बीच का टच पॉइंट है। तो हमें यहाँ पे एक दूसरा पेपर रखेंगे दोस्तों, पहले हम बैक साइड निकाल लेंगे, ये तो क्या होगा फिर हमें कहाँ पे क्या बढ़ाना है मालूम नहीं पड़ेगा फिर, इसी तरह से पहले हम बैक साइड कट कर लेते हैं।
मैंने एक न्यूज़पेपर रख दिया नीचे पेपर वाला, यानी आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर हम कटिंग करेंगे, बैक साइड निकाले हम, ये आगे का साइड है, मैंने नीचे पेपर रख दिया है दोस्तों। मैं कभी भी पेपर कटिंग के लिए दूसरी कैंची यूज़ करती हूँ, जो मेरी कपड़े की कैंची होती मैं वहाँ पे यूज़ नहीं करती हूँ। आप देख रहे हो अभी यहाँ पर मैंने बैक साइड निकाल दिया हुआ है, मैं बी लिख रही हूँ यहाँ पर, यानी बैक साइड। ये थोड़ा साइड रख लेंगे। अभी यहाँ पर हमें इसे लेना है, आप देख रहे हो इसी तरह से, ओके। ये हमारी बीच की लाइन है, तो यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे पहले। ये मैं थोड़ा अलग तरीके से आपको बताऊंगी, ये ब्लाउज परफेक्ट बैठ जाता है दोस्तों इसी तरह से। तो यहाँ पर हम लोग 2 इंच बढ़ा देंगे आगे, यहाँ पे हमें 2 इंच बढ़ाना है। कितना? 2 इंच। इसी तरह से, और यहाँ से गले से हमें यहाँ से इसे लाइन दे देनी है। इसी तरह से लाइन देना है, ओके। तो यहाँ से हमारा 10वां भाग होगा, 3.5 है तो हमें यहाँ पे 4 लेंगे, 10वां भाग, छाती का 10वां भाग आता है 4। हमें यहाँ पे छाती का 10वां भाग ले लिया है। यहाँ पर हम 2 इंच ऊपर जाएंगे, यहाँ से 2 इंच ऊपर जाएंगे दोस्तों, और यहाँ से भी हम 2 इंच ऊपर जाएंगे इसी तरह से, और यहाँ से हमारा 6 पॉइंट होगा। बीच की लाइन खींच लेंगे हम, बड़ा वाला 6 पॉइंट, और यहां से हमें 1 इंच, और ये वाला यहां पे 1 इंच, और यहाँ से हमें लाइन देनी है। टक्स पॉइंट के लिए आगे का टक्स पॉइंट है दोस्तों, ये वाला, ये पूरा ही लेना है हमें, यहाँ से गिनना, नहीं तो क्या होता आप यहाँ से गिन लोगे, ओके। तो यहाँ से हमें हो गया हमारा, तो यहाँ से हमें क्या करेंगे, इसको इसे लाइन दे देंगे, जो हमारा पॉइंट है दोस्तों। यहाँ से हम इसे स्केल देख रहे हो मेरी इसी तरह से, तो यहाँ से मैं क्या करूँगी, हल्का सा 1/2 इंच अंदर जाके, आप देख रहे हो हल्का सा अंदर, जैसे हम लोग यहाँ पे शेप दे देंगे। इसी तरह से हमारा प्रिंस कट तैयार हो गया है दोस्तों, आप देख रहे हो। अभी हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे, एकदम इजी तरीका है ना दोस्तों। तो आप इस कटिंग से आप करोगे ब्लाउज, तो आपका परफेक्ट ब्लाउज आएगा एकदम अच्छी तरह से। अभी इसकी फैशन ज्यादा से ज्यादा चल रही है, हमें कटिंग करना है। तो ये टक्स पॉइंट निकाल देना है हमें, पूरी कटिंग कर लेते हैं ऐसी। ये हमारा हुआ है बोट नेक ब्लाउज की कटिंग डायरेक्ट प्रिंस कट में।
आप देख रहे हो इसे मैंने कर दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा 4.5 का तीरा होगा, यहाँ पे मैंने कितना तीरा लेता उतना ही हमें तीरा लेना है दोस्तों, आप देख रहे हो जितना है उतना ही हमें यहाँ पे तीरा लेना है 4.5, नहीं तो फिर क्या होगा आगे पीछे हो जाएगा, आगे पीछे हमें करना ही नहीं है। ये बैक साइड है, यहाँ पे आप दो ही आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा डिज़ाइन कर सकते हो, मतलब आपको डिज़ाइन चाहिए तो आप डिज़ाइन भी कर सकते हो दोस्तों अपने पे हैं। और यहाँ पर मैं ऐसे कम गला बनाऊंगी आपको बताने के लिए। और यहाँ से अपना बैक साइड का टक्स पॉइंट होगा 4, पूरा खड़ा हमारा होगा 4.5, पाव पाव इंच खाली सिलाई मार दी, पाव आधा इंच जैसा इसी तरह से आप देख रहे हो ऐसे हमें का चाहिए। अभी हम आपको कपड़े पे बताते हैं कैसे रखना है दोस्तों। ये कपड़ा लिया है मैंने ब्लैक वाला, तो आपको इसकी हमें बंद घड़ी में रखना है ये वाला इसी तरह से, और ड्रॉ करते जाना है। इसमें अभी कुछ बढ़ाना नहीं है, जैसे वैसे ही रखते जाना है बैक साइड। आप देख रहे हो और ये वाला हुक पट्टी है, हमने ये वाला ऐसे रखना है। ये हुक पट्टी है दोस्तों, हुक पट्टी आई पट्टी हम लोग कहते हैं, ये वाला भाग ये आपको यहाँ पे ज्वाइंट चाहिए तो आप ज्वाइंट भी कर सकते हो। इसे रखना है, आप देख रहे हो मैं कैसे रख रही हूँ। यहाँ पे क्या बढ़ाना है वो भी बता दूंगी मैं आपको दोस्तों। तो आपको वीडियो पसंद आया ही होगा, तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब लाइक करना है, आगे बढ़ाना है। ये बहुत इजी तरीका है। और यहाँ से हमें पाव पाव इंच सिलाई मार्जिन के लिए, पाव पाव इंच जो हमारा टेप होता है वैसी तरह से सिलाई होती है ना हमारी, इसे और इसको भी सेम वैसे ही रखना है। सीधे कपड़े पे रखना, आड़े कपड़े पे हमें रखना ही नहीं है, सीधे कपड़े पे रखना है। मेरा कम कपड़ा पड़ गया अस्तर किया मेन फैब्रिक का, तो हम दूसरा भी कपड़ा कटिंग करेंगे हाथों के लिए। तो आपने 1 मीटर कपड़ा लेना है दोस्तों, कम कपड़े में प्रिंसेस कट कटिंग करना नहीं है। आप कम कपड़े में प्रिंसेस कट कटिंग करोगे ना तो आपका कपड़ा मेरे हाथों की स्लीव ना बैठने वाली नहीं है, क्योंकि तो बड़ा वाला है इसीलिए। तो यहाँ पर हम पाव पाव इंच सिलाई मार्जिन रखेंगे, ऐसे। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, आपको कभी भी प्रिंट स्कर्ट या पैटर्न ब्लाउज कुछ भी सिलना हो तो 1 मीटर ही कपड़ा हमें लेना है, 1 मीटर से कम कपड़ा हमें लेना नहीं है। नहीं तो आप 1 मीटर से कम कपड़ा लोगे तो आपका ब्लाउज बैठेगा नहीं और आपको कंफर्टेबल में कटिंग होगा नहीं। अभी इतना इतना पार्ट मेरा बचा है तो इसमें क्या होगा, हुक पट्टी आई पट्टी कमर पट्टी होती, बाकी कुछ होने वाला नहीं। तो यहाँ पे हाथों की स्लीव मैंने रखी नहीं है, तो आपको उसका वीडियो देखना है तो मैंने वीडियो अपलोड किया है दोस्तों, तो वहाँ से आप हाथों की स्लीव की कटिंग आप देख सकते हो। तो आपको मेरा वीडियो पसंद आया ही होगा, तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलना और दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। धन्यवाद दोस्तों।